हाय गाइस, कैसे आप सब दोस्तों? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अंकित साइंस एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, हमने फ्लिपकार्ट से एक ट्राईपोड मंगाया था अपने यूट्यूब चैनल के लिए। इस ट्राईपोड पर हम अपने फ़ोन को सेट करके और रख देंगे, जिससे हमारी जो वीडियो बनेगी उसकी जो क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी। अगर हम हाथ में लेके वीडियो बनाते हैं तो जो हमारा हाथ है वो हिलता रहता है, उससे वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। इसलिए हमने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगाया है, तो आपके सामने इसका रिव्यू करते हैं। हमने जब इसका अनबॉक्सिंग किया तो इसमें दो पैकेट थे, एक बड़ा वाला और एक अंदर तो जो था वो छोटा वाला था। इसके अंदर फिर हमने जैसे ही निकाला तो इसके अंदर एक और पोलोथीन थी, यानी कि जो कपड़े की थी ये। इसके अंदर फिर हमें एक और मिला था, जिससे हम अपने फ़ोन को स्टैंड पर लगा कर खड़ा कर सकते हैं। इस पोलोथीन के अंदर फिर निकला था ट्राईपोड। वैसे तो ये ट्राईपोड था एक हाथ जितना लंबा था। इसकी टोटल लंबाई 41 इंच की थी। फिर हमने इसे सेट किया, थोड़ी देर के बाद ये सेट हो गया। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी सी कमज़ोर है। स्क्रू जो इसका है फ़ोन को टाइट करने का या फिर इसे हैंडल को इधर उधर घुमाने का, उसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो कमज़ोर है। यानी कि अगर हम इसे टाइट से खींच देंगे तो ये फेल भी हो सकता है। मगर 250 रुपये का हमें ये मिला था, तो 250 रुपये के हिसाब से ये ठीक है। जो यूट्यूबर बनना चाहता है या पहली बार इसे ख़रीदना चाहता है तो उसके लिए ये बिल्कुल ठीक है। 250 रुपये में आपका ये इजीली मिल जाएगा और इजीली वर्क करेगा। मगर जो बड़े ब्लॉगर है वो इसे नहीं ख़रीदते हैं, एक बिगनर यूट्यूबर इसे ख़रीदेगा। और फिर हमने फाइनली इसे सेटअप करने के बाद हमने इसमें फ़ोन को सेट किया, तो फ़ोन भी इसमें ईजिली से परफेक्ट हो गया। और जो फ़ोन के स्टेबल है वो बिल्कुल परफेक्ट है। टाइट करने के बाद इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। हमारी ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री राम।